राधे राधे दोस्तों कैसी हो आप लोग आज की हमारी कहानी का नाम है नाश्ता दिसंबर की तेज ठंड और हर तरफ कोहरा ही कोहरा दूर दूर तक देखने पर कोई नजर नहीं आ रहा था घर में सब लोग रजाइयों में दुबके पड़े थे सास और जेठानी भी अपने अपने कमरे में अपनी अपनी रजाइयों में नींद की आगोश में थी ले देकर दो जीव ही घर में मडरा रहे थे छोटी बहुरानी अंजलि और जेठानी का बेटा मोनू उसका स्कूल होता था इसीलिए मन मारकर स्कूल जाने को तैयार हो रहा था वहीं उसे स्कूल भेजने की जिम्मेदारी अंजलि की थी उसे उठाने से लेकर उसका लंच बॉक्स और नाश्ता तैयार करना अंजलि की जिम्मेदारी थी चलो कोई बड़ा हो तो अपने आप तैयार हो जाए लेकिन मोनू तो अभी सात साल का ही था उसे तैयार करने में तो अंजलि की हालत खराब हो जाती थी इतनी ठंड में बड़ों का उठने का मन नहीं करता ऐसे में छोटे बच्चों को जबरदस्ती उठाकर तैयार करना अपने आप में जंग लड़ने के समान था ऊपर से मोनू अपना टिफिन ले जाने को तैयार नहीं हो रहा था जिद करे बैठा था कि आलू के पराठे ही लेकर जाएगा जबकि रात को ही जेठाने जी मेथी के पराठे के लिए बोलकर सो गई थी अंजलि ने उनके अनुसार पराठे बना दिए थे अब इतना वक्त भी नहीं था कि आलू के पराठे बनाए इसलिए जैसे तैसे उसे तैयार करके स्कूल भेजा दरवाजा बंद करके अंदर आई तो देखा मोनू अपना टिफिन यहीं छोड़ गया अब टिफिन देने कहाँ जाए हालांकि जानती थी कि जेठ जी दुकान जाते समय देते जाएंगे क्योंकि स्कूल रास्ते में ही था पर सास और जेठानी को कैसे समझाए समस्या यही तो थी कि अगर कोई कमी रह जाए तो सास तो सास जेठानी भी सुनाने लग जाती जब से से शादी हुई है तब से उसका पाला एक सास से नहीं बल्कि दो दो सास से हुआ है अभी तीन महीना पहले ही तो अंजलि की शादी इस संयुक्त परिवार में हुई है घर में सास ससुर जेठ जेठानी दो छोटे देवर मौजूद है साथ में जेठानी का एक बेटा भी जब से अंजलि शादी होकर इस घर में आई है तब से सास के साथ साथ जेठानी ने भी कामों से सन्यास ले लिया है हां बैठी बैठी ऑर्डर जरूर करती रहती है और फिर सबको कहती है कि मैंने काम कर दिया कुछ कहो तो कहती है कि मैं इस घर में तुमसे पहले आई थी मैंने भी तो इतने सालों से काम किया है सास को तो इनसे कोई लेना देना नहीं क्योंकि उनके अनुसार तो घर का काम हो रहा है तो उनको क्या समस्या समस्या तो अंजलि की थी इतने सालों का काम करते-करते उसकी हालत खराब हो चुकी थी खैर अंजलि टिफिन वापस रसोई में लेकर आ गई और सबके लिए चाय तैयार करने लगी चाय बनाकर सबको उनके कमरे में ही चाय पकरा आई और नाश्ते की तैयारी करने लगी इधर सासू माँ और जेठानी जी भी चाय पीकर वापस रजाई में दुबक गई जबकि जेठ जी अपने कमरे में से चाय का कप रसोई में रखने आए तो देखा मोनू का टिफिन रखा है उसे देखकर देख कर पूछा क्या हुआ अंजलि बहू आज भी मोनू टिफिन लेकर नहीं गया हाँ भैया जी मोनू आज भी टिफिन घर पर ही छोड़ गया वो आलू के पराठे की जिद कर रहा था और आज मेथी के पराठे बने हैं ये लड़का भी ना बड़ा जिद्दी हो गया है कोई बात नहीं दुकान जाते समय स्कूल देता जाऊंगा जेठ जी अपने कमरे में चले गए कुछ देर बाद घर के पुरुष नहा धोकर नाश्ता करने बैठे तब सासू माँ और जेठानी उठकर बाहर आई सबको नाश्ता करते देख जेठानी जी वापस अपने कमरे में चली गई थोड़ी देर बाद जब सब लोग जाने लगे तब जेठ जी के हाथ में टिफिन देकर अंजलि के पास आकर बोली तुमने आज को टिफिन क्यों नहीं दिया रोज का तमाशा लगा रखा है एक बच्चों को नहीं संभाल सकती तुम जेठानी की आवाज सुनकर सासू माँ भी रसोई में आ गई क्या हुआ बड़ी बहू तुम छोटी बहू पर क्यों चिल्ला रही हो चिल्लाओ क्यों नहीं तो इसकी आरती उतारू आज भी मोनू बिना टिफिन लिए चला गया मेरे बच्चों को भूखा रखना चाहती है ये छोटी बहू तुम तो मोनू को टिफिन क्यों नहीं दिया माँ जी मैंने टिफिन बना दिया था पर वो आलू के पराठे की जिद कर रहा था इसीलिए टिफिन छोड़ गया दो आलू के पराठे बना देती तो क्या बिगड़ जाता तेरा जेठानी अभी भी अपनी हार मानने को तैयार नहीं थी जीजी जी, आपने ही तो कहा था कि मेथी के पराठे बनाने हैं सो मैंने वही बनाए अब टिफिन तैयार करने में तो वक्त लगता है ना, दो पराठे बनाने में क्या समय लगता समय से उठा करो तो हर काम समय पर हो। खुद ही लेट उठोगी तभी तो लेट हो गई और मेरा बच्चा बिना टिफिन के ही चला गया जेठानी ने कहा ये तो गलत बात है छोटी बहू तुम रोज लेट उठती हो फिर मोनू बिना टिफिन लिए ही चला जाता है ये तो उसका उसका अच्छा है कि स्कूल पापा की दुकान के रास्ते में है, इस कारण से रोज टिफिन स्कूल पहुंच जाता है इतनी लापरवाही अच्छी नहीं सासू माँ भी छोटी बहू को ही समझा रही थी और नहीं तो क्या काम करते ही जोर आता है जब मैं सुबह उठकर मोनू को तैयार करती थी तो वो बिना टिफिन लिए कभी स्कूल नहीं गया खुद का बेटा होता तब समझ में आता आखिर अंजलि से बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने जवाब दे दिया बस बहुत बोल लिया आपने जीजी कब से आप मुझे सुना रही हैं एक तो इतने कड़ाके की ठंड में जहां आप लोग रजाई में दुबके रहते हो वहां मैं उठकर उसको तैयार करती हूँ ऊपर से आप लोगों की दो बातें सुनती हूँ अगर इतनी ही अपने बेटी की फिक्र है तो कल से आप उठकर तैयार कर दीजिएगा उससे पहले मेरी शादी हो चुकी थी और मैं तुमसे पहले घर का काम कर रही हूँ मैंने भी जिम्मेदारी निभाई है लगभग जेठानी ने चिल्लाते हुए कहा माफ करना जीजी जेठानी बनकर आपने मुझ पर एहसान नहीं किया है जिस उम्र में आपकी शादी होनी थी उस उम्र में आपकी शादी हुई है अब आप पहले बहू बनकर आई इसका मतलब ये नहीं कि आप उसका बदला मुझसे लो और बार बार ये कहती रहो कि मैंने तुमसे ज्यादा काम किया है जैसे मैं बहू हूँ वैसे ही आप भी बहू हो काम तो आपको भी करना पड़ेगा और रही बात मोनू को तैयार करने की तो वो आपका बेटा है आपकी जिम्मेदारी है आप मुझसे कैसे उम्मीद कर सकते हो जितना मैं कर सकती थी मैंने कर लिया अब बस और नहीं कल से मैं अपने बेटे को आप खुद ही तैयार कीजिएगा अंजलि ने भी मन की भड़ास निकाल दी उसकी बातें सुनकर जेठानी सासू माँ से बोली देखो माँ जी कैसी जवाब दे रही है बड़ू का बिल्कुल भी लिहाज नहीं इससे पहले की सासू माँ कुछ कहती अंजलि ने भी जवाब दे दिया बस अब तक मैंने समझौता कर लिया माँ जी अब और नहीं करूँगी जिजी मैं भी घर की बहू हूँ और आप भी इस घर की बहू हो तो जिजी भी मिलजुल कर काम करवाएगी या फिर आप खुद देख लीजिएगा अंजलि का साफ रुख देखते ही सासू माँ से भी कुछ बोलते न बना उन्होंने बड़ी बहू से कहा बड़ी बहू छोटी बहू कुछ गलत नहीं कह रही है वो भी तुम्हारी तरह घर की बहू है इसीलिए काम तुम भी तुम दोनों को ही मिलजुल कर करना पड़ेगा और हाँ अपने बच्चों की जिम्मेदारी खुद उठाओ और अब ये तमाशा करना बंद करो जाओ अपना अपना काम करो सासू माँ की बात सुनकर जेठानी जी पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई वहीं अंजलि भी रसोई में अपने काम में लग गई दूसरे दिन सुबह रजाई से निकलते समय जेठानी जी सोच रही थी कि कहाँ इतने आराम से रजाई में सो रही थी मैं और कहाँ एक टिफिन के पीछे इतना हंगामा कर दिया पर अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुभ गई खेत बेटे को तैयार करते समय जेठानी के चिल्लाने की आवाज़ घर में गूंज रही थी वही अंजलि आराम से अपनी राजाई में मंद मंद मुस्कुरा रही थी ऐसा करती हूँ दोस्तों ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा धन्यवाद इस कहानी पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा जय श्री कृष्णा दोस्तों हरी बोल